नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, हम एजुकेशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इससे रिलेटेड जानकारी लेकर आप लोगों के बीच रूबरू होते रहते हैं और आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें, अन्यथा आप लोग भी इसका शिकार बन सकते हैं। दोस्तों, जब से हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई है, फर्जीवाड़ा भी उतनी ही तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। आए दिन हमारे सामने नई नई खबरें आती रहती है कि फर्जी डिग्रियां पाई गई, लेकिन अगर फर्जी डिग्रियों की जांच की बात की जाए तो यह जांच सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रह जाती है, या फिर यूं कहें कुछ दिन बाद यह जांच स्वतः ही यानी कि कागजों में दब जाती है। पूर्ण रूप से अगर कार्रवाई की जाए तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर ये डिग्रियां कहां से निर्माण हो रहा है, ये डिग्रियां कहां से आ रही है। हालांकि इससे पूर्व में भी 3 यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई हुई है, जिससे ये साबित हुआ है कि यूनिवर्सिटियां ही फर्जीवाड़ा कर रही है और यूनिवर्सिटियां पैसे कमाने के लालच में काफी संख्या में वहां से फर्जी डिग्रियां दे रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का एक वाक्य अभी उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग के अंदर भी आया है और उन्होंने 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा भी दायर करा दिया है। 2015 में एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जिसके अंदर अभी दस्तावेज चेक किए जा रहे थे, उनमें 4 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को फर्जी पाया गया है। अगर बात की जाए वैकेंसी की, तो 14 जुलाई 2015 को एक विज्ञापन जारी हुआ था 93 पद के लिए, उनमें से 1426 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अगर उन 1426 लोगों की बात की जाए, उनसे शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए, तो उनमें कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई थी। जो कंप्यूटर डिग्री के साथ जो स्टूडेंट वहां से सेलेक्टेड हुए थे, उनकी संख्या 1426 स्टूडेंट थे। उनमें से उनके असल दस्तावेजों को जमा कराने की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2020 रखी गई थी, जिसमें 650 लोगों ने असल दस्तावेज वहां से जमा कराए थे। और जो 650 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने दस्तावेज जमा कराए थे, उन दस्तावेजों को जब लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने वेरिफिकेशन किया यानी कि उन दस्तावेजों को जांचा, तो उनमें 4 स्टूडेंट जो PGDCA की डिग्रियों का उपयोग कर रहे थे वो फर्जी पाई गई। जो डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए, तो वो एक प्राइवेट संस्था महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर के नाम से जारी किए हुए थे। हालांकि जब विभाग ने गौतम बुद्ध नगर की यूनिवर्सिटी से संपर्क साधा, तो यह जांच में आया कि गौतम नगर की जो महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका विलय आजकल APJ यूनिवर्सिटी में हो गया है। जब APJ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से इसकी जानकारी मांगी, तो उन्होंने उन दस्तावेजों को अपना होने से मना कर दिया, यानी कि वो दस्तावेजों को फेक की सूची में शामिल कर दिया, जिनसे उन 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी जांच चल रही है। ये चीजें तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वो दस्तावेज उन अभ्यर्थियों के पास कहां से आए, क्या वो दस्तावेज जेन्युइन है या फेक है। ये चीजें उस जांच को पूरा होने के बाद ही पता लगेगी। लेकिन दोस्तों, हम लोग आपको अवेयर करते हैं कि आए दिन ये इस तरीके का फ्रॉड हमारे सामने आ रहा है, आए दिन हमारे सामने जो ये फर्जी डिग्रियां आ रही है, आप लोग अवेयर हो जाएं, आप लोग बचकर रहें ऐसे लोगों से, कहीं आपकी डिग्री में भी कोई सेंध नहीं लग जाए। इसलिए हम लोग आपको अवेयर करते हैं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई दस्तावेज ले भी लिए हैं, तो उसे एक बार वेरीफाई जरूर करा लें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, अन्यथा आप लोगों के सामने भी ऐसी परेशानी आ सकती है। आपके कोई भी दस्तावेज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से या प्राइवेट संस्थानों से जो आपने ले रखे हैं, उन्हें वेरीफाई आज ही करा लेना चाहिए, ताकि आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि जब कहीं आप उन दस्तावेजों का यूज कर रहे हो, या फिर जब आप कहीं उनका उपयोग कर रहे हो, और उस समय उनकी वेरिफिकेशन या फिर उन दस्तावेजों की अगर जब जांच की बात आए, तो वो संस्थान आपके दस्तावेजों को अपना होने से मना कर दें और आप लोगों के सामने एक समस्या आ जाए। इसलिए हम लोग आपको यही अवेयर करना चाहते हैं और आप लोगों के बीच इसीलिए उपस्थित होते हैं, आपके सामने नई जानकारी लेकर।
तो जो आज हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।